ज्ञान और तजुर्बा बांटने से बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप हैं गर्ग गुरुकुल में और मैं हूं शुभम गर्ग। सो दिस द सेकंड पार्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप एंड इन दिस पार्ट वी विल सी शेख हसीनाज रिसेंट विजिट। उनकी रिसेंट जो विजिट हुई है इंडिया हमें, उसमें क्या MOU साइन हुए हैं और क्या हुआ है। एंड सेकेंडली विल सी वॉट इज टीस्टा वाटर डिस्प्यूट। यू मस्ट हैव हर्ड अलॉट अबाउट दिस टीस्टा वाटर डिस्प्यूट। सो आज जानेंगे कि वॉट इज इट एंड वॉट आर द सोल्यूशंस और क्या हिस्ट्री है उसकी। So let's start with Sheikh Hasina's recent visit. First of all, let me tell you these notes are handwritten by me and these will be available in my Facebook group. Iska naam hai Garg Gurukul and us Facebook group ka link aapko is video ke description mein mil jayega. So if you like the video then and if you like the notes, aapko ye notes ka PDF and photos pics wahan se उस फेसबुक ग्रुप से मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। शेख हसीना रीसेंट विजिट। शेख हसीना की रीसेंट विजिट में देर आर टोटल 35 आर्ग्यूमेंट्स एग्रीमेंट्स और MOUs जो साइन हुए हैं। उसमें से इम्पॉर्टेंट ये है, जो इम्पॉर्टेंट है, दोज आर लाइक इंटर गवर्नमेंटल गांडा ऑन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। सो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर एक MOU साइन हुआ, डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ है। MOU साइन हुए हैं ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी बढ़ाने पर एंड डिफेंस रिलेटेड इशूज़। MOUs का फ़ायदा क्या है? तो MOUs विल प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या हो रही है, उसमें उसको प्रिवेंट करने में फ़ायदा होगा। ब्लू इकोनॉमी में फ़ायदा होगा। मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन एंड यूज़ ऑफ चित्तागोंग एंड बांग्ला सी पोर्ट्स। तो चित्तागोंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट दैट इज़ इन बांग्लादेश एंड कई जगह ये आपको पोर्ट का नाम मिल जाएगा, तो यू शुड रिमेंबर दैट इट्स इन बांग्लादेश। सो उसका यूज़ पे MOUs साइन हुए हैं। MOUs दैट विल हेल्प कि इसके यूज़ इंडिया और बांग्लादेश दोनों कर सकें। इंडियन इकोनॉमिक जोन्स में फ़ायदा होगा एंड जॉइंट रिसर्च ऑन ओशनोग्राफी पर जॉइंट रिसर्च की जा सके, इंडिया और बांग्लादेश मिलकर रिसर्च करें। एंड बस सर्विस की चलाई जाएगी एंड इंडिया इज़ लाइकली टू ऑफर 500 मिलियन USD लाइन ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश। तो ये बहुत बड़ी बात है। सो दीज आर द मेन थिंग्स विच लाइक रिसेंट विजिट, जो शेख हसीना की रिसेंट विजिट में हुआ है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लाइक इन जनरल एग्ज़ाम्स SSC और CTS और समथिंग, जिसमें करंट अफेयर्स में आपको पता होना चाहिए, आपको जनरल अवेयरनेस कहीं आता है, तो उतना डिटेल में आता नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपको बेसिक आइडिया है कि नहीं। सेकेंडली, सो विल सी वॉट इज़ टीस्टा वाटर डिस्प्यूट। ये आपको मे बी शायद एग्ज़ाम में ना आए, बट एज इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज़ में क्या है। तो अगर आपको यहाँ ये वीडियो देख लेंगे तो आपको न्यूज़ इसके बारे में समझ आने लगेगी। सो टीस्टा वाटर डिस्प्यूट, सीधी बात है, टीस्टा वाटर डिस्प्यूट, टीस्टा मतलब एक नदी का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ रिवर, वाटर उसके पानी के ऊपर डिस्प्यूट, ठीक है। तो उसके पानी के ऊपर लड़ाई चल रही है। सो टीस्टा जो रिवर है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कंगासिक ग्लेशियर विच इज़ इन चरमाओं लेक इन सिक्किम। सो ये सिक्किम में एक ग्लेशियर है, वहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है। मोस्ट वाटर इज़ इन इंडिया एंड इट एंटर्स बांग्लादेश एंड जॉइंस ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स। सो ये ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन हो जाती है बांग्लादेश में एंड 309 किलोमीटर लंबी है ये एंड इट फ्लोज 71% इन इंडिया एंड 29% इन बांग्लादेश। सो दीज वर सम स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट टीस्टा रिवर। नाउ व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट। एक्चुअली हुआ क्या था कि वेस्ट बंगाल स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग बैरेज ऑन टीस्टा एंड देन बांग्लादेश ने अपोज किया एंड बिकॉज ऑफ देयर बांग्लादेश ने अपोज इसलिए किया बिकॉज ऑफ देयर राइस बॉल। सो इट्स राइस बॉल एक्चुअली BOWL, माई स्पेलिंग मिस्टेक है वहाँ पर, सॉरी आई मिस द एल। सो बिकॉज ऑफ देयर राइस बॉल, जो है रंगपुर रीजन, रंगपुर में वो राइस बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। सो इट उसका जो एज वी ऑल नो कि राइस को बहुत पानी चाहिए होता है एंड इसका जो ये था रंगपुर जो रीजन था वहाँ पर राइस बॉल है बांग्लादेश का, तो वो उनको टीस्टा वाटर पे वो डिपेंडेंट थे, जो वाटर वहाँ टीस्टा रिवर से मिलता है एंड बांग्लादेश वेस्ट बंगाल ने उस पर बैरेज बनाना शुरू किया, तो उनको पानी की कमी होने लगी। तो नेगोशिएशंस ये हुआ कि 1983 में, देखिए कितना पुराना ये इशू चलता आ रहा है। सो 1983 में इंडिया बांग्लादेश कंक्लूडेड कंक्लूजन पे आए एंड एडहॉक एग्रीमेंट साइन हुआ, मतलब एडहॉक मतलब तुरंत एक एग्रीमेंट साइन हुआ। सो उसमें ये डिसाइड हुआ कि इंडिया विल गेट 39% ऑफ वाटर, बांग्लादेश विल गेट 36% ऑफ वाटर एंड अन एलोकेटेड जो वाटर है 25% वो सीधा डायरेक्ट आपका बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। नाउ हुआ क्या इससे कि प्रॉब्लम रिमेन अनसॉल्व बिकॉज बांग्लादेश बोला कि वी नीड अ इक्वल शेयर। नाउ इक्वल शेयर का यहाँ पे मतलब ये है कि बहुत जगह ये सब
स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि इक्वल शेयर मतलब 50-50, इट्स नॉट अबाउट 50-50। बांग्लादेश इज आस्किंग लाइक 39% इंडिया को जा चुका है, 36% इज विद बांग्लादेश। व्हाट बांग्लादेश इज आस्किंग लाइक जो अनएलोकेटेड है 25%, उसमें से जो भी यूजेबल वाटर होगा लाइक जो खेती के काम आ सकता है या जो जहाँ खेतों के पास से जा रहा है मतलब वाटर एवर जो एग्रीकल्चर लैंड के आसपास जो भी यूजेबल वाटर होगा उसका 50-50 किया जाए। सो 75% शेयरिंग इज ऑलरेडी फिक्स्ड, एग्रीमेंट इज नीडेड फॉर रिमेनिंग 25%। बांग्लादेश इज आस्किंग 50% ऑफ द रेस्ट शेयरेबल वाटर। ओके ओके, नेक्स्ट इज 1983 में और 1984 में एक जॉइंट रिवर कमीशन बनाया गया, एंड जॉइंट रिवर कमीशन का काम ये था टू कलेक्ट हाइड्रोलॉजिकल डेटा एंड टू सजेस्ट सॉल्यूशंस कि इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कमीशन ने रिकमेंड किया कि मोर वाटर शुड बी गिवन टू बांग्लादेश। नाउ मोर वाटर वाई बांग्लादेश शुड गेट मोर वाटर, उन्होंने इसका रीज़न दिया बिकॉज वेस्ट बंगाल ने जो बैरेज बनाया था दैट वॉज वेरी क्लोज टू बांग्लादेश बॉर्डर, एंड वो सिंस क्लोज था सो वाटर विल पेनिट्रेट द ग्राउंड एंड विल बेनिफिट बोथ द कंट्रीज। ठीक है, सो ये बोला कि आपको बांग्लादेश को ज़्यादा पानी देना चाहिए एंड वो जो बैरेज है वो बांग्लादेश की बाउंड्री के पास ही है, सो द वाटर विल लाइक इट्स नेचुरल थिंग वाटर विल पेनिट्रेट द ग्राउंड एंड वो वाटर तो लाइक वाटर पानी तो देखता नहीं ना कौन सी कंट्री क्या है, सो जनरली इट विल बेनिफिट बोथ द कंट्रीज। सो ऑल्सो देर इज एंड एक बात और है कि लाइक इंडिया में स्टेट के बीच में इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं है प्रेजेंट, सो देर इज नो एग्रीमेंट ऑन वाटर शेयरिंग बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। लाइक सिक्किम में ऑरिजिनेट होती है ये रिवर टीस्टा एंड वेस्ट बंगाल बांग्लादेश होते हैं, वेस्ट बंगाल आती है देन, तो वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि कितना कौन सा स्टेट यूज़ करेगा। एनी वे सेप्टेम्बर 2011 में इतने साल बाद लाइक वी एग्री टू 50-50 शेयर पर एग्रीमेंट हुआ। मनमोहन सिंह विजिटेड बांग्लादेश टू साइन ऑन टीस्टा एग्रीमेंट। ठीक है, ये सब हो गया था एंड लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हमने पार्ट वन में देखा था। सो इफ यू हैवन सीन द पार्ट वन प्लीज डू वॉच द पार्ट वन, देन आर पार्ट टू पे आए, दिस इज द पार्ट टू। ओके, सो मनमोहन सिंह बांग्लादेश गए एंड उन्होंने साइन करने के लिए ऑन 17 सितंबर 2011 टीस्टा एग्रीमेंट पर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। मनमोहन सिंह ने इन्वाइट किया 5 स्टेट के सीएम को एंड बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि ममता बनर्जी ड्रॉप दिस विजिट। ममता बनर्जी ने मना कर दिया, अपोज किया इस चीज़ को, उन्होंने अपोज इसलिए किया एंड अपोज किया इसकी वजह से एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया। नाउ ममता बनर्जी ने अपोज क्यों किया ये हम बताएंगे रीजंस, बट ये देख लेते हैं कि अभी जो शेख हसीना का विजिट हुआ है उसमें टीस्टा वाटर शेयरिंग पे कोई भी बात नहीं उठी है। सो अप्रैल में अभी जो विजिट हुआ है उसमें टीस्टा वाटर शेयरिंग पर कोई बात नहीं उठी है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं आया। सो अब देखते हैं रीज़न क्या था ममता बनर्जी ने जो अपोज किया आपका टीस्टा वाटर एग्रीमेंट साइन करने से। सो अभी ममता बनर्जी ने अपोज किया बिकॉज जो नॉर्थन रीजन है वेस्ट बंगाल का, उन्होंने बोला दैट विल ड्राई आउट अगर बांग्लादेश को ज़्यादा पानी दे देंगे। ठीक है, सेकेंडली उन्होंने बोला कि बांग्लादेश ऑलरेडी हैव 3 सीजन्स पर ईयर, मतलब कि बांग्लादेश में पहले से ही 3 सीजन चल रहे हैं, एग्रीकल्चर सीजन चल रहे हैं पर ईयर, तो उनको और ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है। और कितना सीजन उनको चाहिए, लाइक जनरली 2 सीजन होते हैं, जनरली उनके 3 सीजन पर ईयर चल रहे हैं तो उनको और पानी देने की जरूरत नहीं है। थर्ड, जो वेस्ट बंगाल में प्रोजेक्ट है वो है 92,200 का हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन नॉर्थ बंगाल में है एंड इट प्रोवाइड 67.60 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो पावर। ठीक है, तो अगर वहाँ पे पानी नहीं आएगा तो वो हाइड्रो पावर बन नहीं पाएगा, सो गिविंग वाटर टू बांग्लादेश विल हैम्पर दिस प्रोजेक्ट, राइट, वो प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। ऑल्सो देर वॉज अपकमिंग इलेक्शन, सो इलेक्शन भी आ रहे थे एंड अगर इलेक्शन में लाइक अगर ममता बनर्जी झुक जाती एंड साइन कर देती तो लाइक अपोजिशन बोलती कि लाइक बंगाल के लिए खराब किया एंड वॉट एवर, सो इसलिए उन्होंने इलेक्शन भी आ रहे थे तो उन्होंने इस पर अपनी इसको अपोज किया। सो टोटल 54 ट्रांजेक्शनल रिवर्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच। एट प्रेजेंट सिर्फ एक ही रिवर पर एग्रीमेंट है विच इज गंगा वाटर शेयरिंग एंड 1996 में एग्रीमेंट हुआ था। एंड ये एग्रीमेंट किसकी वजह से हुआ था, सीएम ज्योति बसु की वजह से हुआ था। उन्होंने ही पुश दिस एग्रीमेंट एंड मेड इट पॉसिबल। नेक्स्ट, नाउ सॉल्यूशंस क्या क्या है। सॉल्यूशन ये है भाई इसके कि एग्रीमेंट इज प्रायोरिटी फॉर बांग्लादेश गवर्नमेंट बट डिफिकल्ट फॉर इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, एंड सेकेंड इज सो इंडिया शुड डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि हम दे देते हैं तो कितना हमें नुकसान होगा और अगर हम ये नहीं साइन करते तो कितना नुकसान हो रहा है। सो इट्स लाइक नाउ इट कैन बी यूज एज अ लेवरेज, हम एज अ लेवरेज दे सकते हैं एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांजिट एग्रीमेंट, हम ऐसे बोलते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ये एग्रीमेंट पर साइन कर रहे हैं बांग्लादेश से एक और कोई एग्रीमेंट, ठीक है आप इस पर साइन कीजिए, लाइक इट्स अ
एज अ लेवरेज, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट इज वुड क्रिएट अ गुडविल फॉर इंडिया, ऐसा करने से इंडिया की अच्छी इमेज सामने आएगी। सेकेंडली वुड गिव पॉलिटिकल लेवरेज टू अवामी लीग पार्टी। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि अवामी लीग अगर जीतती है, शेख हसीना जिसकी PM है, तो हमारे लिए अच्छा है बिकॉज इट्स अ प्रो इंडियन पार्टी। सो अगर ये लीग जीतेगी तो बेटर है, और अगर लाइक टीसीटी एग्रीमेंट साइन नहीं होता है तो BNP उसको क्रिटिसाइज करेगी एंड BNP पावर में आ सकती है विद सपोर्ट्स ISIN, मतलब फ्री हैंड देती है ISIN इंडिया की एंटी इंडिया अगेंस्ट जो चलती रहती हैं एक्टिविटीज़, उनको बढ़ावा देती है। तो इट्स बेटर कि हम साइन करें। नाउ इंडिया नीड्स कोऑपरेशन ऑफ बांग्लादेश इन फ्यूचर। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया को बांग्लादेश का कोऑपरेशन चाहिए फ्यूचर में, तो हमें उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। क्यों फ्यूचर कोऑपरेशन चाहिए? ये तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न होगा कि हमारा भाई हमारा पड़ोसी देश है, तो कोई ना कोई कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ होता है तो एटलीस्ट कुछ हेल्प ली जा सकती है या दी जा सकती है। सेकेंडली देर इज़ अ कंसर्न अबाउट चाइना, क्योंकि चाइना सोंग पो रिवर है उस पर रिवर डैम्स बना रहा है। सो अगर बांग्लादेश को इंडिया के साइड नहीं रहेगा तो चाइना के साथ मिलकर लाइक बांग्लादेश मंजूरी दे सकता है चाइना को। सो इंडिया को बांग्लादेश को साथ लेके चलना चाहिए। सो पहले फरवरी 2017 में एट अराउंड ये एक MOU साइन हुए थे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। तो इसमें एक साइलेंट सिटी है बांग्लादेश में, इंडिया ने बोला कि इट विल डू द सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ साइलेंट सिटी विद फाइनेंशियल एड, कंस्ट्रक्शन ऑफ 5-story किंडरगार्टन एंड हाई स्कूल बिल्डिंग इन ऑल 6-story क्लिनिक कॉलोनी बिल्डिंग एंड ऑल। टोटल कॉस्ट 240 मिलियन का इंडिया ने ये किया। एंड ICP पेट्रोल पोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। सो दैट वॉज इनोग्रेटेड इन जुलाई 2016 एंड इम्पॉर्टेंट, इट्स एन इम्पॉर्टेंट लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग फॉर इंडिया बांग्लादेश ट्रेड, इट्स अ बिगेस्ट लैंड पोर्ट इन साउथ एशिया। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट जो MOU साइन हुआ था पहले। एंड एक थर्ड चीज़ है कि आकाशवाणी मैत्री एक चैनल स्टार्ट किया गया AIR ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से 596 kilohertz पे, विच विल लाइक प्रोग्रेस लाइक इट विल प्रोपोगेट द इट विल मेक द बॉन्डिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश मोर बेटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इंडिया बांग्लादेश इज ओवर। इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप का वीडियो लाइक इट्स ओवर, देयर वाज अ पार्ट टू एंड दिस पार्ट वन एंड पार्ट टू में आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बांग्लादेश एंड क्या एट प्रेजेंट चल रहा है, क्या शेख हसीना का विजिट में क्या साइन हुआ, टेस्टा वाटर डिस्प्यूट क्या है, लैंड वाटर एग्रीमेंट क्या है, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इफ यू डिसलाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द डिसलाइक बटन, जैसा भी आपको लगे आप कीजिए। एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, एंड ये नोट्स आर अवेलेबल इन माई फेसबुक ग्रुप जिसका नाम है कर्क गुरुकुल, एंड उस फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज शिवम गर्ग साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।